किसान भाइयों, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है तो इस महीने में बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत कम समय में, कम लागत में, बहुत जल्दी से तैयार होकर आपको अच्छा उत्पादन देकर अच्छा प्रॉफिट देती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, मैं जो इस फसल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वह है मूली। मूली की एक जो फसल है वो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले अपने खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको कंप्यूटर लेवलर लगवाकर ज़मीन को एक बार बिल्कुल समतल कर लेना है और उसमें आपको देसी गोबर की खाद नहीं डालनी है। मूली की खेती के लिए आपको देसी गोबर की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए जिस खाद की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट का, एक बैग डीएपी का लेना है आपको, और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, और 3 किलो आपको कार्बोफुरान लेना है जो कि आपकी मूली को जो काले धब्बे बन जाते हैं उसे रोकने के लिए इसमें यूज़ करना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आपको ज़मीन में छिड़काव कर देना है। हल्के से हल चलाकर ऊपर आपको उसको मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। तो इसके बाद जो अपनी बारी आती है वो बिजाई की आती है। तो किसान भाइयों, अपने जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि जो बिजाई का तरीका है वो अपने को बेड विधि से ही करना है। एक बिजाई होती है जो छिटक विधि द्वारा होती है। अभी भी कई एरिया में बहुत से किसान छिटक विधि द्वारा भी मूली की खेती करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते, उनकी फसल ख़राब हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि समतल भूमि पर लगाने से जल भराव ज़्यादा होता है। अगस्त महीने में बरसात अच्छी आती हैं, इस कारण आपकी मूली में फंगस की दिक्कत और भी बहुत सारी बीमारियां आपकी फसल को लग जाती हैं और आपकी फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती या नष्ट हो जाती है। इसके कारण आपको बेड विधि द्वारा जो मशीन आती है उसके द्वारा ही आपको बिजाई करनी है। बिजाई करने के बाद आपको पेंडामेथ्रिन की जो कचरे वाली स्प्रे कर देनी है और उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के तीसरे या चौथे दिन बाद ही मूली का जो बीज है वो उगना स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो पांचवें या छठे दिन बाद आपको फिर एक बार नालियों में हल्की सिंचाई कर देनी है जिससे कि आपका बीज बिल्कुल 90% तक उसकी जो जर्मिनेट है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका जो मूली का पौधा है थोड़ा, एक तो पत्ते निकल आते हैं तो उसमें आपको एक्टारा की स्प्रे डाल देनी है जो कि पत्तों पर मच्छर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे फसल में जो पत्ते हैं वो जो मच्छर है उनको काट नहीं पाता, उनका रस नहीं चूस पाता, तो फसल अच्छे से चलने लग जाती है। और इसके बाद में जो अगला वीडियो है, जो अगली जानकारी है वो अगली वीडियो में ही शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।